पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो हल्का फर्क है। कल 27,000 केसेस थे, लेकिन आज करीब 30,000 केसेस पूरे देश में रिपोर्ट हुए हैं। हल्का बड़ा है, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है। ये कुछ केसेस गिनने की वजह से, टेस्ट के कारण भी होते हैं। मृत्यु जो है 514 हुई है, मरीजों की मौत हुई है 24 घंटे में, लेकिन इसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। रिकवरी रेट हाई है क्योंकि बाय एंड लार्ज जो इसके सिम्टम्स हैं ओमिक्रॉन के, ये माइल्ड है। एक्टिव केसेस भी 4 लाख से नीचे, हाँ, 3 लाख जा चुके हैं। जी ठीक है, डॉक्टर अंशुमान जुड़े, उनसे हम बात करें। उससे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप हेल्थ बीट कवर करती हैं, जाती हैं, हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त हमारे देश के मनसूख भाई मांडविया, वो क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है और कोरोना को लेकर हमारा देश क्या सोच रहा है। जी, स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बताना चाहूंगी कि सेंस ये है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है सईद कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं हो सकता है। आज मेरी मुलाकात अधिकारियों से हुई, कुछ ब्यूरोक्रेट से हुई, सेक्रेटरी लेवल, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लोगों से हुई, और बाय एंड लार्ज ये सेंस था कि उन्होंने जो एंटिसिपेट किया था कि बहुत ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाएगा। एक ब्यूरोक्रेट ने ये भी कहा कि जनवरी के अंत तक उनका खुद का अनुमान था कि 12 लाख केसेस देश में रिपोर्ट होंगी, उसमें से कई सारे हॉस्पिटलाइजेशंस होंगी, और अगर दूसरी वेव के हिसाब से होता तो सिस्टम फिर से कोलैप्स कर जाता, लेकिन शुक्र है वो हुआ नहीं। इसके रीजंस, एक तो हाइब्रिड इम्यूनिटी है जो कि सेकेंड वेव से कई सारे इन्फेक्शंस हुए, प्लस वैक्सीनेशन जो है हमारा वो मई और अभी के बीच में काफी सर्च कर गया है। पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेड है, जिनको पहला डोज लग चुका है, वो ऑलमोस्ट सही हम 96% टच कर रहे हैं। 100% हम ग्रेजुअली हो जाएंगे जिनको पहला डोज लग गया है। दूसरा डोज जो है उसमें थोड़ा स्लो हुआ है हमारा कवरेज, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि प्रिकॉशनरी डोज भी दिया जा रहा है, और टीनेज पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर गया है। वैक्सीनेशन की वजह से हम काफी हद तक बच गए, और ओमिक्रॉन जो है वो इजिली ये वेव निकल गया, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ही कम रही है। सईद, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैंने ये जाना है 2 साल पैंडेमिक कवर करने के बाद कि मंत्रालय ने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया है। इसके बारे में कभी मंत्रालय ने हमसे बात नहीं की है, इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन अब इसकी चर्चा वो आने वाले दिनों में करेंगे। ये डैशबोर्ड में सईद फरवरी 2020 से लेके आज तक 2022 में आज हम हैं। इस डैशबोर्ड में हर एक वो डिस्ट्रिक्ट का डेटा है। सईद, हम मानेंगे नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने टॉयलेट्स हैं और कितने बेड्स मेल्स के लिए हैं, कौन से कितने बेड्स फीमेल्स के लिए हैं, ये भी डिमार्केशन है। वेरी गुड। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, इन वेव्स में कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहा है, कितने केसेस हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 24 घंटे में एक भी केस नहीं है, लेकिन एक डेथ है। ओके, जो कि कुछ ही दिनों से जो पेशेंट सफर कर रहा होगा उसकी मृत्यु हुई है। इस तरह का माइन्यूट डेटा का एक डैशबोर्ड जो केपीएमजी के साथ मिनिस्ट्री काम करता है, वो सारे डिटेल्स ये क्या रिसर्च है स्नेहा कि कपड़ों पर कोटिंग से कोरोना बेअसर होगा। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, कपड़ों पर लगाने से 90% तक कोरोना को बेअसर किया जाएगा। जी, ये एक क्लेम है, क्या होगा जी, ये एक क्लेम है, लेकिन ये सईद, मैं बताना चाहूंगी कि ये क्लेम के बारे में हम बात करें तो ठीक है, लेकिन इस समय बस ये क्लेम ही है। हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसी कोटिंग है जो 90% जो क्लेम है हद तक आपको प्रोटेक्शन देगा कोरोना वायरस से, वो वायरस को ब्लॉक करेगा अगर ये कपड़े आप पहने तो। लेकिन इसके बारे में अभी चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि WHO ने इस पे बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं की है। पहले भी ऐसे क्लेम्स हुए थे नेजल स्प्रेस को लेकर। थोड़ा सा ये समझाइए प्लीज कि ये बहुत सारी स्टडीज होती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टडीज करते रहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक हम उसी को मानते हैं जो WHO कहता है, या हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री जिसे अप्रूव करती है इसने? नहीं सईद, मेडिकल साइंस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहा है, कोई ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट साथ आते हैं, वो कुछ रिसर्च करते हैं, कोई पेपर जारी करते हैं।